देखा तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कुछ ऐसे मीटिंग्स में जाके सुनने के बाद बिजनेस समझ में आया और डिसीजन लेके हम काम करें। आज हमारी लाइफ में कम्प्लीटली हम जीरो से लेके आज कम्प्लीटली हमारी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। तो ये इसलिए बदली है जो हम डिसीजन लेके काम करें तो कैसे यहाँ पे आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैं एक आधे घंटे से 40 मिनट बताने जा रहा हूँ, तेलुगु हिंदी मिक्स करके बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अंदर की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ गद्दर ही पवाली, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं एप्पड़के गुड मोर अर्निंग अंटे गुड मॉर्निंग యొక్క అర్థం। सो अंदर की गुड आफ्टरनून, ना पेरु सलीम, నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటాను। सो फ्रेंड्स ఈ రోజు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది। కొన్ని 4 సంవత్సరాల క్రితం ఈ బిజినెస్ లో మెయిన్ గిట మీలాగే వచ్చి ఎంత సైడ్ లో కూర్చొని విని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాము। ఈ రోజు కంప్లీట్ గా మా లైఫ్ చేంజ్ అయ్యింది, దానికి రీజన్ ఏంటి, కారణం ఏంటి, మేము ఏం చేస్తాం, ఆ లైఫ్ చేంజ్ అయ్యింది, దాని గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను। ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి 40 నిమిషాలు మీరు మీ ఫోన్ ని సైలెంట్ చేసి పెట్టుకోండి, రైట్। సో ఫ్రెండ్స్ హమ్ సబ్ లోగ్ కన్జ్యూమర్స్ హై, తో ఫ్రెండ్స్ ఆప్ మేరే కో आप लोग मेरे को मदद करना चाहिए। आप जब भी मैं कुछ पूछता हूँ तो आप अगर आप रिप्लाई देंगे तो मैं और बहुत अच्छा बता सकता हूँ। क्या तैयार है आप लोग मदद करने के लिए? यस। थैंक यू। सो फ्रेंड्स हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं। यस। कस्टमर्स हैं ना? यस। अभी इतने सालों से हम अपने घर के लिए जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं से तो दुकान से खरीद के लेके आ रहे हैं। ऐसा हो? यस। इतने सालों से लेके आ रहा है, क्या वहां से आज तक कोई फायदा हुआ आप लोगों को? नो। और आगे जाके होने वाला है क्या? नहीं है। मगर यहाँ से आपको फायदा होगा, एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स मेरा मंत्र कंज्यूमर से कहा। यस। सो हिंदी कंप्लीट का अर्थम काने वाले तो मंत्र ना रंडी कंप्लीट का हिंदी अर्थम कादु अंटे सबको हिंदी आती है तो पर मैं हिंदी में बता देता हूँ। ओके तो थैंक यू। और मेरे को आसान हो गया, मैं तो कंफ्यूज होता था वो थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हम कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले क्यों करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। ऐसा हो कोई भी काम करने से पहले अगर वो काम क्यों करना है अगर वो क्लियर हो गया तो कैसे करना उसके लिए बहुत सारे रास्ते होंगे। तो क्यों करना है वो जरूरी है, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ जो आगे। देखिए अभी हम कुछ दिन पहले लोग जॉब पे जाते थे, मतलब कुछ साल पहले थे लोग जॉब पे बुलाने से भी नहीं जाते थे, उसके बाद कुछ लोगों को जॉब पे जाना पड़ा, घर को एक जॉब तो भी रहना बोलते, उसके बाद घर में दो दो जने काम करने की नौबत आ गई है, घर में पूरी फैमिली काम करने का टाइम आ गया है। मगर यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए लोग पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग 95% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ये सब जॉब करते हैं, मगर हम देखेंगे आज के दिन कितने जॉब पूरे चले जा रहे हैं, बहुत लोग परेशानी में है। आगे जाके क्या होने वाला मैं आपको बताऊंगा। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है? आप देख सकते हैं हम एग्रीकल्चर फील्ड में खेती काम के अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे, मगर आज के टाइम पे पूरी मशीनरी आ चुकी है, जो एक मशीन है वो 100 लोगों की काम करती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में गांव में से लोग काम घर छोड़ के आके सिटी के अंदर अपार्टमेंट्स में वॉचमैन का काम कर रहे हैं। ऐसा नो तो दूसरा देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेजॉन स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय जो भी है आज आपको ज्यादा से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, मगर अभी अपडेट सिस्टम जो आने जा रहा है यहाँ पे ड्रोन डिलीवरी होने वाला है। आप अगर कुछ भी आप ऑर्डर करेंगे सीधा आपके एड्रेस पे, आपको गूगल मैप जाके आपके एड्रेस पे आपको ड्रोन डिलीवरी ला के देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी जो अमेजॉन में काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय उनके जो जॉब जाने वाले हैं नहीं। यस। तो उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाके अगर होटल में कुछ लेंगे तो लोग हमको सर्वेंट सर्व करते हैं, मगर आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे रोबो सर्विस आ गया है, रोबो सर्वेंट्स आ चुके हैं।
बहुत सारे होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में रोबोट सर्विस दे चुके हैं, जहाँ भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वेंट्स की जॉब भी चले जाने वाले हैं। तो हम क्यों करना है, मैं आपको आज एक सच्चाई दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स, डॉक्टर पढ़ने के लिए लाखों का पैसा खर्चा करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद वो डॉक्टर बनते हैं, मगर आप देख रहे हैं ऑलरेडी रोबोट ट्रीटमेंट शुरू कर दिए हैं। यशोदा हॉस्पिटल में नी पेन के लिए रोबोट ऑपरेशन करता है। जितने डॉक्टर को रिस्क होता है उससे आसान है रोबोट को ऑपरेशन करने के लिए। तो क्या हो गया, डॉक्टर्स की भी छुट्टी मेहनत खत्म। अब उसके बाद देख रहे हैं ड्राइवर्स, पहले आपको हैदराबाद में आपको डॉट कैब दिखता था, सिटी कैब, उसके बाद अभी हो गया है ओला कैब। अभी आपको आगे फ्यूचर में, अभी ऑलरेडी टेस्ला कार आ गया है जो ड्राइवर लेस कार, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, गूगल मैप सेट कर दिए, बैठ गए, जहां पे लेके जाना है वहां पे लेके जाएगा। तो आगे जाके क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ड्राइवर्स भी खत्म, कैसे आ रहा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल फील्ड में जो एक गाड़ी के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, मगर पूरे अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज में ओनली रोबोटिक्स जो ऑटोमेटिक मशीन कार खुद बना दे रही है। तो आप देख सकते हैं आगे जाके क्या होने वाला है, दिने दिन क्या होते जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं मगर जॉब तो कम होते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे डिग्रियां पढ़ने के बाद भी लोग अगर जॉब पे जाते हैं तो 15,000 से 20,000, 30,000 तनख्वाह मिलना मुश्किल है, जॉब मिलना ही मुश्किल है। ये सर हो, फिर क्या करेंगे आगे जाके, राइट? तो बिजनेस करेंगे, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सब लोग काम करते हैं। ये सर हो, क्यों काम करते हैं हम लोग, हमारे सबके ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स पता है सबको, ड्रीम्स क्या क्या होते हैं, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, प्रतियोगी ड्रीम सुनता है, क्या क्या होते हैं ड्रीम्स आप देख सकते हैं। बैंक बैलेंस, सबको चाहिए बैंक बैलेंस, हर किसी को चाहिए बैंक बैलेंस। आप देखिए अगर जॉब, मैं भी पहले जॉब करा था कहीं कंपनीज में, जब भी अगर सैलरी आती है तो महीना पहले खत्म होता है या सैलरी पहले खत्म होती है, सैलरी पहले खत्म होती है। हिंदी में एक कहावत है, पहला हफ्ता गरम गरम, जैसे सैलरी आए तो जो जेब में से धुआं निकलते रहता है, दूसरा हफ्ता नरम नरम, जो भी कमिटमेंट से जो हम पैसे बन चुके होते हैं, तीसरा हफ्ता बेशरम का मतलब जैसे 30 तारीख आ जाती है हमारे जेब में पैसे हो जाते हैं, अगर कोई तकलीफ आ गई तो लोगों को पैसे पूछना पड़ता है। यस और नो? यस। तो हर किसी का ड्रीम होता है बैंक में, अगर आपके अकाउंट में 1-2 लाख पैसे है, आपके अंदर से बात अलग ही आती है, मतलब उसका चेंजेस अलग ही हो जाता है। अगर अकाउंट में 0 है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। यस और नो? हर किसी का ड्रीम होता है बैंक बैलेंस रहना चाहिए, उसके साथ एक अच्छा सा घर। अगर आपके पास एक रेंट हाउस में है तो आपको एक छोटा सा घर लेने का ड्रीम होगा, अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है तो और अच्छा लग्जरी घर लेने का ड्रीम होता है। ऐसा नो? अगर आप किसी आपके दोस्त के या रिलेशन के घर की दावत में चले गए, क्या आपको नहीं लगता हमारा भी एक अच्छा ऐसा घर बने? हेलो, हाँ लगता है, मेरे को तो लगता था। यस यस सर। तो उसके साथ आज बच्चों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आजकल के जमाने में हम अगर बच्चों को कुछ देते हैं तो एक अच्छी पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आज हम कमा के कुछ बच्चों को रखने का सिचुएशन चले गए, कुछ दे सकते हैं तो अच्छी पढ़ाई, मगर आज हम कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ और भी ड्रीम्स होते हैं, एक अच्छी गाड़ी, कितने लोगों को लग्जरी गाड़ी चाहिए? सभी को सर, तेलुगु में कहता है इतना मंदिर की लग्जरी कार कावाली కళాస్తు దేవతలు నరకడం వల్ల కళాస్తు అన్నటువంటి కష్టమైతే అందరు చేయకపోండి, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది డ్రీమ్ కార్ కావాలని, హర్ కిసీ కా డ్రీమ్ హోతా హై ఏక్ అచ్చి గాడీ హో, రైట్? ఇస్కే సాథ్ హోతా హై పీస్ఫుల్ రిటైర్మెంట్। హమ్ ఆజ్ దేఖ్ రహే హై రిటైర్మెంట్ కే బాద్ భీ లోగ్ కహీ కహీ కామ్ కర్ రహే హై, కోయి వాచ్మెన్ కర్ రహే హై, కోయి ఏటీఎం కే పాస్ సెక్యూరిటీ కర్ రహే హై, కుచ్ లోగ్ పరేషాన్ హై, జో రిటైర్మెంట్ కే బాద్ జో హమారీ ఇన్కమ్ కమ్ హో జాతీ హై, ఉస్కే బాద్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ బఢ్ జాతే హై, राइट? तो आज हम इसके बाद फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन टूर्स होते हैं, तो ये सारे ड्रीम्स हैं। ऐसा नो? सबके ड्रीम्स है ना, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, मगर आज हम देखते हैं हमारी रियलिटी क्या है। आज हम जो घर में रह रहे हैं वही घर का जो हम ड्रीम देखे थे वही घर में रह रहे क्या? आज देखिए हम एक नॉर्मल हाउस में रह रहे जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ लीड कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं क्या?
नहीं, आप एक कॉलोनी में देख सकते हैं 3-4 टाइप के स्कूल के बसेस आते हैं, क्योंकि अपने अपने बजट के हिसाब से अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके साथ हम जो गाड़ी जो ड्रीम देखे थे, हम आज एक कॉम्प्रोमाइज लीड कर रहे हैं, जो नॉर्मल गाड़ी के ऊपर, जो गाड़ी टू व्हीलर है, जो कार है, जिसके ऊपर हम एडजस्ट करके लेके जा रहे हैं, राइट। तो उसके बाद हम देख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद तो लोग बहुत परेशान है, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये हमारी रियालिटी है। ड्रीम्स तो सबके होते हैं, मगर ये हमारी रियालिटी है, राइट। तो इसका रीजन क्या है, जो हमारे ख्वाब है, आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है, मनी। कैसा है? पैसा, राइट। इस पैसा कमाने के लिए आज हम देखेंगे, आजकल हमारे जो रेट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, जो इनकम कम होते जा रही है, जो महंगाई बढ़ते जा रही है, तो उसके लिए हम देखेंगे अगर वाकई में अगर प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ पे। 1940 में तो उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, 1940 के टाइम पे ये घर के लिए जो इनकम का सोर्स, अगर 10 रुपये भी कमाते थे तो बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब बस हो जाता था। अशोक साहब, 1940 में मैं तो पैदा नहीं हुआ था, 1960, इसके बाद 20 साल के बाद 1960 पहुँचते वो एक फैमिली का जो इनकम सोर्स, अगर 100 रुपये कमाते हैं तो बहुत बस हो जाते थे। उसके बाद फिर वापस 1980, फिर वापस 20 इयर्स के बाद 1980 में एक फैमिली का जो इनकम कम से कम 1000 रुपये अगर होता तो ही फैमिली का गुजारा निकलता था। उसके बाद 2000, फिर वापस 20 इयर्स के बाद 10,000 हो गया। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर 20 साल में 1-0 बढ़ते जा रहा है। अगर आप 2020 हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, कम से कम आज कम से कम 1,00,000 रुपए का खर्चा अगर इनकम है तो ही वो फैमिली, हम फिर भी 2,00,000 की कमाने वाले भी आज कॉम्प्रोमाइज लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर आपकी 1,00,000 की भी इनकम होती है ना, आप घर ले लेंगे तो 20-25,000 ईएमआई पे चले गए, एक कार ले लेंगे 20,000 रुपए ईएमआई पे चले गए, बच्चों के फीसों के लिए, और ये सारे खर्च 1,00,000 भी अगर आते हैं तो आज के टाइम आपको बस नहीं होंगे। क्या फिर कितने लोग यहाँ पे जो वेस्टेज के अलावा 1,00,000 रुपए कमाने वाले हैं, वेस्टेज के अलावा महीने के इनकम 1,00,000 कमाने वाले हैं? तो फ्रेंड्स ये अपॉर्चुनिटी वेस्टेज के अलावा तो फ्रेंड्स ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, यहाँ पे आपकी लाइफ बदल सकती है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं पैसे कमाने के तरीके क्या है। आज करोड़पति बन जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास से रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। पैसे कमाने के तरीके 4 तरीके हैं, जो लीगली, इलीगल नहीं, लीगली पैसे कमाने के तरीके 4 हैं। वो है एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जॉब करते हैं, 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पर इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, अगर ये जॉब पे नहीं गए तो पैसा नहीं आता है और इनके पास कभी टाइम नहीं होगा। अब जॉब करने वालों को पूछ के देखिए, इनके पास टाइम ही नहीं होगा, बिजी होते हैं, राइट। तो दूसरा जो तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो ये किसी के पास जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो खुद का कुछ बिजनेस करते हैं, राइट। इनके पास देखिए हमेशा कभी भी सिर्फ जो भी बिजनेस करते हैं हमेशा खर्चे होते हैं, ये चारों। तो उसके साथ कभी भी फंड्स नहीं रहते, कभी भी परेशानी में रहते हैं। जॉब करने वाले अगर 8 बजे जाके 5-6 बजे आ जाते हैं, मगर जो सेल्फ एम्प्लॉय है सुबह अगर 6 बजे दुकान खोलते हैं तो रात के 10 बजे तक भी दुकान पे बैठ के रहते हैं, राइट। तो तीसरा जो है बिजनेसमैन, जो टाटा बिरला अंबानी जैसे हैं, ये लोग ये कभी भी मेहनत नहीं करते, ये कभी भी काम नहीं करते, काम करवाते हैं, राइट। ये इनके पास टाइम हमेशा इनके हाथों में होता है। चौथा है जो इन्वेस्टर्स है, जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, आप एक घर बना दिए, एक बार घर बनाते हैं मगर हर महीना आपको रेंट आते जाएगा। अगर एक बार कोई जमीन लेके छोड़ दिया, कुछ सालों के बाद उसका डबल अमाउंट हो जाएगा। तो ये लोग कभी काम नहीं, पैसा इन्वेस्ट करके पैसे को कमाते हैं। ये 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं दुनिया में, मगर आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय एक कैटेगरी में आते हैं और बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स एक कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जो है लक्ष्य कैटेगरी में आते हैं,
बिजनेसमैन इन्वेस्टर राइट साइड कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आप एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जो है ये 100% पॉपुलेशन में से 95% पॉपुलेशन है, ऐसा लो 95% पॉपुलेशन है। फिर पैसा कितना है इनके पास? सिर्फ 5% पैसा है, सिर्फ 5% पैसा है, वेल्थ इनके पास 5% है। रीजन क्या है? रीजन का मतलब एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब ये लोग जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, अगर इनका काम बंद तो पैसा बंद। मगर राइट साइड में जो लोग हैं बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स, ये है सिर्फ पॉपुलेशन 5% है मगर इनके पास वेल्थ कितना है? 95%। इसका रीजन क्या है? यहां पे ये लोग काम नहीं करते, लोगों से काम कराते, क्योंकि ये लोग एक बार काम करते हैं उसके बाद काम नहीं भी करे तो भी पैसा आते ही रहेगा। तो यहाँ पे इनका इनकम का सोर्स पैसिव इनकम हो गया। तो यहाँ पे हम बैठे हैं तो हम एक्टिव इनकम में आते हैं, पैसिव इनकम में आते हैं? एक्टिव इनकम में आते हैं, पैसिव इनकम में आते हैं हम लोग? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम, अगर हम लोग काम करेंगे तो पैसे आ रहे हैं, अगर काम नहीं करें तो पैसे नहीं आ रहे। मगर आप अगर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम को जाना चाहते हैं क्या? एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम को कितने लोग जाना चाहते हैं? एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम जाने के लिए यहाँ पे अगर रियलिटी में अगर जाना है तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मगर मैं आपको जो प्लेटफॉर्म अभी दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये आपको कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम को जा सकते हैं। यहाँ पे मैं पैसे कमाने का एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, अगर ये चीज समझ गए ना पूरी बिजनेस समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे एक हर कोई आदमी के पास कितने घंटे होते हैं एक दिन में? प्रत्येक व्यक्ति देख रहे हैं कैंडल उल्टे आंटी रोज के 24 घंटे होते हैं, राइट? मेरे पास भी है 24 घंटे, आपके पास भी है, रामोजी राव के पास भी है, हर किसी के पास 24 घंटे है। मगर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये बंदा है, एग्जाम्पल यहाँ पे कोई आज नहीं है, कोई तो फर्स्ट टाइम चुनाव, कोई नहीं है पहली बार। मैडम यस मी पैसर, आपका नाम खदीर भाई? समीर भाई, ओके शादी नहीं हुई ना? मान लेंगे मैं समीर भाई आपका नाम यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे देखिए समीर भाई है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है? सैलरी 20,000। अगर अब समीर भाई की शादी नहीं हुई 20,000 तो बस हो जा रहे हैं। अगर समीर भाई की शादी हो गई क्या 20,000 बस हो जाएंगे? समीर भाई को अब चाहिए 40,000, तो कितने घंटे काम करना पड़ता है? एमडी का पानी आज सुन 16 घंटे, राइट? चलो ठीक है, अब समीर भाई की शादी भी हो गई, अभी बच्चे भी हो गए तो खर्चा बढ़ जाएगा नहीं? तो अभी समीर भाई को चाहिए 80,000 महीने के, तो कितने घंटे काम करना पड़ता है? 32 आवर्स। बस हमारे पास कितने घंटे हैं एक दिन के? 24 घंटे। क्या 24 घंटे काम कर सकते हैं हम? 8 घंटे कर सकते हैं, मुश्किल से 10 घंटे कर सकते हैं, 12 घंटे कर लिए तो फिर नेक्स्ट महीने के बाद जैसी वो तनख्वाह आती है फिर दवाखाने में हॉस्पिटल में लगाना पड़ता है, बराबर है ना? तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका टाइम बढ़ना चाहिए, आप काम करने के घंटे बढ़ना चाहिए, बराबर है ना? सिंपल फार्मूला है, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप अपना टाइम बढ़ाना चाहिए, बस। आपका टाइम बढ़ गया तो आपका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। एक बंदा है जो एक दिन 1 घंटा काम करते हैं, तो मान लीजिए मैं या आप हैं, 1 घंटा अगर आप काम कर रहे हैं तो 100 रुपये मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको टाइम लिमिटेड हो गया, मतलब यहाँ पे काम करने वाले लिमिटेड पर्सन से, यहाँ पे उनके पास टाइम भी लिमिटेड हो गया, इनकम भी लिमिटेड हो गया, राइट? यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वेल्थ क्रिएशन फार्मूला का मतलब यहाँ पे 100 लोग, अगर 100 लोग काम करने वाले हैं, अगर 1 घंटे के अगर 100-100 मिल रहे हैं तो कितने पैसे मिलेंगे? 10,000। समझ में आ रहा है ना? अगर एक बंदा है, सिंगल बंदा है, अगर 1 घंटा काम कर रहे हैं तो उनको 100 रुपए मिल रहे हैं। अगर 100 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं 1 घंटे के
अगर 100 घंटे काम हो गया तो 100-100 रुपए आ गए तो 10,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अनलिमिटेड पर्सन हो गए, काम करने वाले ज्यादा होंगे, फिर टाइम भी अनलिमिटेड हो गया, फिर इनकम भी अनलिमिटेड होगा, बराबर है ना राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 100-100 लोग अगर एक एक घंटा काम करते हैं तो 10,000 आते हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड पर्सन हो गए, अनलिमिटेड इनकम हो गया। मगर यहाँ पे आपके अगर आपको यहाँ पे सिर्फ आपका काम करने के घंटे बढ़ाना है, आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टडी की जरूरत नहीं है, आप अगर अपना टीम क्रिएट कर सकते हैं तो आपका इनकम बढ़ सकता है। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी एक फेमस ऑथर है, ये बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे करोड़पति लोग जो भी है वो अपना टाइम बढ़ाने का काम करते हैं और वो नेटवर्क क्रिएट करने का काम करते हैं, बाकी लोग वो नेटवर्क में काम करने के लिए देखते हैं राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं, ये है आप देख रहे हैं ऊपर रिलायंस फ्रेश। अगर रिलायंस फ्रेश में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन फार्मूला है, यहाँ पे अनलिमिटेड पर्सन काम करते हैं, रिलायंस फ्रेश में ज्यादा लोग काम करते हैं, तो फिर अनलिमिटेड टाइम भी हो गया, फिर इनके पास अनलिमिटेड इनकम भी हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तरकारी बेचने वाले कुछ सालों से मेहनत कर रहे हैं, फ्रेश तरकारी ला के बेचते हैं, मगर इनके पास कितने घंटे एक दिन के, 24 घंटे। 24 घंटे में ये 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ही काम कर सकते हैं। क्या हो गया, इनके पास लिमिटेड टाइम हो गया, काम करने वाले लिमिटेड है, तो इनकम भी इनकी लिमिटेड हो गई। तो सिंपल है, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आपको टाइम बढ़ाने के लिए दूसरा एक ऑप्शन है फ्रेंचाइज सिस्टम। फ्रेंचाइज पता है, बाटा शोरूम पता है सबको, बाटा शोरूम, बाटा शोरूम अगर आपको लगाना है तो बाटा शोरूम के मालिक के पास जाना पड़ेगा, आपको पैसे लाखों में वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको आपके सेल के ऊपर कुछ कमीशन बाटा शोरूम के ओनर को देना पड़ेगा, यह फ्रेंचाइज सिस्टम है। अगर आप अपने दोस्त को फिर अगर वही बाटा शोरूम दिलाना चाहते हैं, क्या आप वो फ्रेंचाइज दे सकते हैं? नहीं, फिर आपको आपके दोस्त को बाटा के ओनर के पास भिजाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए बाटा शोरूम अगर 10,000 शोरूम से, अभी आपको पता है हर जगह बाटा शोरूम है, अगर 10,000 बाटा शोरूम से अगर एक एक शोरूम में 10 घंटे का अगर काम भी होता है तो लगभग 1,00,000 घंटे हो गए एक दिन के, बाटा के ओनर के पास एक दिन के 1,00,000 घंटे हो गए। मगर एक आम आदमी जिंदगी भर काम करे तो 1,00,000 घंटे होते हैं, समझ गया। ये काम आदमी अगर जिंदगी भर काम करे तो 1,00,000 घंटे काम करते हैं, मगर बाटा के ओनर सिर्फ एक दिन के अंदर 1,00,000 घंटे का काम हुआ। यहाँ पे सिंपल है, टाइम इज इक्वल मनी। तो बड़े बड़े लोग देखते हैं, बिल गेट्स है, धीरूभाई अंबानी है, रतन टाटा है, ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ वेल्थ क्रिएशन फार्मूला को फॉलो करते हैं। वेल्थ क्रिएशन फार्मूला काम करते हैं, ये कभी आप अकेले सिंगल काम नहीं करते, ये टीम से काम करते हैं राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम को जा सकते हैं। हम सब लोग तैयार है ना पैसिव इनकम के लिए? तो मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कैसे एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम को जा सकते हैं। तो हम सब लोग कंज्यूमर्स ही हैं, मतलब कंज्यूमर से गया सो इतने सालों से कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, ये हमारा डेली रूटीन है, हम तो ये रेगुलर यूज करते ही हैं, यहाँ से कोई पैसा हम नहीं कमाए। मगर आज आपको मैं पैसा बताने जा रहा हूँ कि आप एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम को कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम सब लोग कंज्यूमर से, अगर आप 100 रुपए का अगर कोई एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपए का 100 रुपीज का प्रोडक्ट कोई परचेज करें आप, तो आप कहाँ पे परचेज करते हैं? समीर साहब, रिटेल शॉप में। अगर रिटेल शॉप में आप जाके लेते हैं, क्या रिटेल वाले खुद बनाते हैं? वो कहां से लेते हैं? होलसेलर से लेते हैं। क्या होलसेलर खुद बनाते हैं? नहीं। वो कहां से लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटर खुद बनाते हैं? वो कहां से लेते हैं? सीएनएफ एजेंट से लेते हैं। क्या सीएनएफ एजेंट खुद बनाते हैं? वो कहां से लेते हैं? फैक्ट्री से लेना पड़ता है। ये प्रोसेस है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग भी यहाँ पे टाइम लगा रहे, पैसा लगा रहे, कुछ कमा रहे हैं। पर सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जा रहा है पता है आपको? कहाँ पे जा रहा है? एड्स में जा रहा है। मार्केट में आज कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो कैसा पता चलेगा?
एड्स का फोन आके बताएंगे एड्स वाले मैं आप आके बता तो कोई लेंगे नहीं लेते अशरफ मैडम आएंगे मेरा सौंदर्य का रस लक्स साबुन वो लक्स साबुन लेके आके हम इस्तेमाल करते हैं अगर लक्स साबुन इस्तेमाल करने से अशरफ मैडम बनते हैं तो आज अफ्रीका में पूरे अशरफ मैडम होते थे कैसा ना वो एक अच्छे सेलिब्रिटी है उसकी वजह से उनके हाथ में साबुन दिए हैं आप उनको ऐड करने के लिए बोले उनको लाखों का करोड़ों का पैसा मिलता है एक दूसरे सेलिब्रिटी आते हैं बूस्ट चीज में एनर्जी बोलते हैं पता है बूस्ट चीज में एनर्जी बोलते हैं एक बात सोच के देखिए बूस्ट पीने से एनर्जी मिलता है या अकाउंट में पैसे गिरने से एनर्जी मिलता है अकाउंट में पैसे गिरने से एनर्जी मिलती है अगर बूस्ट पी के सचिन बनते हैं तो आज हर घर में सचिन तेंदुलकर होते हैं राइट तो फ्रेंड्स ये लॉजिक है यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बताते हैं वो इसलिए बताते हैं उनको लाखों का पैसा मिलता है चलो ठीक है ये तो प्रोसेस है ये आज तक चलते हुए आ रहा था वो ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम है मगर ये सबके बीच में कोई भी प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री में बनती है तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट 30 रुपये से लेकर 40 रुपये का खर्चा होता है कंपनी के प्रॉफिट के साथ 30 रुपये से लेकर 40 रुपये का खर्चा होता है मगर कंज्यूमर के पास पहुंचते 100 रुपये हो रहा है इन सबके बीच में 60% जो पैसा जा रहा है ये किनके जेब से जा रहा है किसके पैकेट से जा रहा है हमको लगता है 60% चलो जाने दो अगर आप महीने के 10,000 कमा रहे 6,000 जब इनके जेब में जा रहा तो क्या अच्छा रहेगा तो यही 60% यहाँ पे आपको अगर आप पता चल गया अभी आपको सीक्रेट पता चल गया मैं भी जब शुरुआत वृष्टि से पहले समझता था कंज्यूमर हम जाके रिटेलर से लेते रिटेलर फैक्ट्री से लेते होंगे मगर ये इतने सारे लोग बीच में है इनके बीच में इतना पैसा जा रहा है अगर मेरे को पता चल गया आपको पता चल गया चलो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लूंगा अगर हमारे आसपास में कहीं फैक्ट्री है वहां जाके हम पूछेंगे तो कोई देने वाले है क्या वो क्या बोलेंगे सीधा रिटेल शॉप में जाके लेने के लिए बोलते हैं राइट मगर यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ये है डायरेक्ट सेलिंग एक बार जोरदार क्लास कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी में बनती है वेस्टीज कंपनी को प्रोडक्ट बनाती है 40 रुपीज में बनता है आपके पास 100 रुपये में आता है मगर ये बीच में 60% जो जाने वाला था ये 60% सेविंग हुआ ना यही 60% कंपनी आपको देने के लिए तैयार है कितने लोग तैयार है 60% देने के लिए वाह एक बार जोरदार क्लास हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये 60% लेने के लिए अभी आपको करना कुछ भी नहीं है आप यहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड आपको इनवाइट करे हैं उनको एक आधार कार्ड यानी तो वोटर आईडी या रेशन कार्ड या पासपोर्ट ये ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा भी एक आईडी प्रूफ अगर उनको देंगे तो 2 मिनट का काम है फोन नंबर सेव कर सकता है इजी है आपका एक आईडी क्रिएट करके देंगे यहाँ पे आपके यूजर आईडी पासवर्ड आएगा उसके बाद अगर आप दुकान चेंज करते हैं आज तक जो भी दुकान से लिए हैं वो दुकान छोड़ के अगर वेस्टीज से लेना शुरू करें तो सबसे पहले आपको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा कितना 10-20% इसके अलावा फिर आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे आज तक कोई दुकान में आपको फ्री प्रोडक्ट मिला होगा नहीं मिला होगा मगर यहाँ पे 10% के फ्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे डिस्काउंट के अलावा फ्री प्रोडक्ट के अलावा फिर आपको कंसिस्टेंसी ऑफर मिलेगा अगर आप अपने घर के लिए 3,500 रुपये का सामान अगर 100 TV का 4 महीने लेते हैं तो हर 4 महीने में एक बार आपको कंपनी से मिलेगा 2,500 रुपीज़ का प्रोडक्ट का वाउचर मिलेगा आपको कंप्लीटली 2,500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा इसके अलावा आपको हर महीना एवरी मंथ 10 को आपको 5-11% कैशबैक मिलेगा जब हम गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो अकाउंट में सब्सिडी आती है ना उसी तरीके से आपको यहाँ पे हर महीना 10 तारीख को आपको कैशबैक भी मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी है इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट से मनी बैक गारंटी आप यूज करेंगे उसके बाद समझ में नहीं आया 30 डेज के अंदर 30% यूज करने के बाद वापस दे सकते हैं आपका पैसा आपको वापस मिलेगा कंपनी इतनी गारंटी देती है प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे देखेंगे अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर बनके दुकान चेंज करने की वजह से आपका शॉप चेंज करते हो आपका हैबिट चेंज करने की वजह से यहाँ पे लगभग इतने सारे बेनिफिट आपको हुए हैं अगर एक फैमिली में अगर लेते हैं एक फैमिली में कम से कम 4-5 लोग रहते हैं राइट अगर 4-5 लोग
एक साल का जो खर्चा है, जो किराना शॉप में, जो भी सुपरमार्केट में खर्चा करते हैं, लगभग एक साल में 1,00,000 रुपए का खर्चा होता है। Yes, yes. अगर 1,00,000 का खर्चा आप कहीं दुकान से कर रहे थे, वहां पे आपको कुछ आ रहा था क्या? कुछ भी नहीं, नो बेनिफिट्स। मगर यहाँ पे वेस्टी स्टोर से लेने से आपको लगभग एक साल का 30,000 रुपीज तक आपका सेविंग होता है। तो हम सब लोग क्या करते हैं, जनरल रूटीन हम क्या कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया में फेसबुक यूज करते हैं हम लोग, अच्छा लगा तो क्या करते हैं, लाइक करते हैं, और ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, अच्छा लगा तो फिर लोगों को शेयर करते हैं। मगर ये काम करते करते आज तक आप कोई पैसा कमाए क्या? कमाए क्या? नहीं। मगर बड़े बड़े लोग यहाँ पे बिलियनर मिलियनर बन गए, फेसबुक के ओनर, व्हाट्सएप के ओनर, इंस्टाग्राम के ओनर, करोड़पति बन गए, ऐसा नो। मगर यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन है, आप बोल सकते हैं हाँ बोला था आप है, गूगल पे का है, अगर ये शेयर करें तो पैसा मिलता। यस मिलता। कब मिलता? एक बार आप अगर किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो सिंगल टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा। मगर आपको मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो वेस्टीज और बेस्टीज का ऐप शेयर करने की वजह से आपको जिंदगी भर 3 जनरेशन तक रेफरल बेनिफिट मिलते ही रहेगा। जैसा मैं बताया आपको, बाटा शोरूम का फ्रांचाइज आप अकेले को किसी को नहीं दे सकते, मगर यहाँ पे आप फ्रांचाइज आप किसी को, जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को दे सकते हैं, जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को बता सकते हैं, वो लोग तब तक खरीदेंगे जब तक आपके अकाउंट में पैसे आता जाएगा। कैसा रहेगा? तो आपका एक्साइटमेंट चाहिए, कैसा रहेगा? तो फ्रेंड्स, ये इनकम कैसे आएगा, मैं एक इनकम पोटेंशियल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको यूज करना है, आपके दुकान चेंज करना है, इसका प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करना है, और अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करना है। अब ये शेयर करने से आपको इनकम कैसे आएगा मैं बताऊंगा। ये घर का जो फैमिली का खर्चा होता है 2,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, मैं एक एवरेज इनकम लेता हूँ, कंपल्सरी है इतना लेना, उतना कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप 4,000 का भी अगर परचेज कर लेते हैं आपका पर्सनल शॉपिंग, तो आपको तो लगभग बेनिफिट हो चुके हैं। अगर यही बेनिफिट अगर कुछ लोगों को शेयर करने से जब आपको इनकम मिलने वाली है, तो कितने लोगों को शेयर करेंगे? अगर आप यही अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को शेयर करने से महीने के अगर 50,000 मिलने वाले हैं, तो कितने लोगों को शेयर करेंगे? अगर 1,00,000 तो महीने के 5,00,000 मिलने वाले, तो कितने लोगों को शेयर करेंगे? पूरी दुनिया को। हम भी बैठे रोड में बैठे रहेंगे लकड़ी पकड़ के। Yes, yes. तो मिलेंगे 100% लाभ होगा मिलेंगे, मगर बहुत सारे लोगों को शेयर करेंगे। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, अगर आप 10 लोगों को भी अगर रेफर करते हैं अपॉर्चुनिटी, अगर ये लोग अपने घर के लिए 4,000 का पर्सनल शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे 40,000 रुपीज का टर्नओवर हुआ है आपके वजह से कंपनी को। ये 40,000 में से अप्रोक्सीमेटली आपकी जो बेनिफिट होती है 4,000 रुपीज। आप एक बार गौर कर सकते हैं, आपका घर का खर्चा फ्री हो गया। अगर आप ये प्रोडक्ट आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगा, अगर ये लोग भी कुछ कमाना चाहते हैं, उनके भी ड्रीम्स कुछ फुलफिल करना चाहते हैं, फिर ये लोग भी कुछ लोगों को रेफर करेंगे नहीं करेंगे? अगर ये 10 फैमिलीज अगर 10-10 फैमिलीज को रेफर करते हैं, तो कितने फैमिलीज हो गए? 100 फैमिलीज। अगर ये 100 फैमिलीज अगर अपने घर के लिए 4,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो 4,00,000 रुपए का टर्नओवर हुआ है। 4,00,000 रुपए का टर्नओवर कंपनी को किनके तरफ से हुआ है? किनके तरफ से? आपके वजह से कंपनी को 4,00,000 का टर्नओवर हुआ है। ये 4,00,000 में से 2,20,000 लगभग 60% अमाउंट जो मार्केट में रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनडी एजेंट के जेब में जा रहा था, वो पैसा बच गया। उसमें से आपकी जो इनकम होती है महीने की 40,000 रुपीज।
30,000 रुपीस मीडिया पे जो छोटी इनकम नहीं है, आज के दिन आप देखिए, अगर आप किसी आपके काम को डिस्टर्ब करे बिना कुछ लोगों को मदद करके महीने की 40,000 रुपए अगर इनकम आने वाली है, तो आप अच्छे अच्छे डिग्रिया पढ़ने के बाद भी आज जो जॉब को गए तो पहली इनकम 40,000 नहीं मिली है। मगर यहाँ पे कुछ लोगों को मदद करने से आपकी 40,000 की इनकम आती है, तो ये सब लोग खामोश बैठेंगे? अगर ये 100 लोग अपने अपने 10-10 फैमिली को, अगर ये 100 अगर 10-10 को भी प्रमोट करते हैं, तो पूरे आपका नेटवर्क में 1,000 लोग हो गए। अगर ये 1,000 लोग अपने घर के लिए अगर 4,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो 40 लाख रुपीज का टर्नओवर हुआ है। कितना? 40 लाख। 40 लाख टर्नओवर में से लगभग आपकी जो महीने की इनकम होती है 3.5 लाख के ऊपर होती है। 3.5 लाख कोई छोटी इनकम नहीं है। यहाँ पे अपने बीच जो है ऑलरेडी इनकम लेने वाले हैं, तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक में आपको बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, आपके टीम में 1,000 लोग हैं। ये 1,000 फैमिली अगर 2-2 घंटे भी अगर काम करते हैं, तो एक दिन के कितने घंटे हो गए? 2,000 घंटे। मतलब आपके पास क्या हो गया? आपके टीम में अनलिमिटेड पर्सन है, अनलिमिटेड काम हुआ, अनलिमिटेड आपको इनकम आएगी। बस यही है, सिंपल कुछ नहीं। यहाँ पे आप अपना टाइम मल्टीपल करना है, मगर इसके लिए आपको कोई बड़े बड़े कंपनियां लगाने के लिए, कोई ऐप तो डेवलप करने के लिए तो नहीं जरूरत नहीं है, आपको कोई गोदाम लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप शॉप चेंज करके यूज करके लोगों को बताने से आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। अगर एक बार आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया, आपको 3 जनरेशन तक पैसा मिलने वाला है, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप ये इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, लाखों की इनकम कमाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर माइंडसेट से शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप जितना भी लेके आप शुरू कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। मगर आप एक बिजनेस के हिसाब से शुरू करना चाहते हैं, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में एक, अगर मान लीजिए 1 लाख की इनकम चाहिए, तो मार्केट में 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मगर यहाँ पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर 6 महीने में लेना चाहते हैं, 1 लाख की इनकम, तो आप अगर सही शुरुआत करने के लिए कम से कम अगर 12,000 से शुरू कर रही है, फास्ट ट्रैक 1%, अगर आप फास्ट ट्रैक 1% से शुरू करते हैं, तो आप 6 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम ले सकते हैं। ये गारंटी है, ये ऑप्शन आपके हाथ में है। यहां से दिल्ली पहुंचना है, 3 ऑप्शन है आपको। ये पैदल जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं। आप पैदल जाना चाह रहे हैं या कार में जाना चाह रहे हैं या फ्लाइट में जाना चाह रहे हैं, वो आपके ऑप्शन है। अगर फास्ट आप बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको जो भी यहाँ पे बुलाए इनसे बात करके फास्ट ट्रैक से शुरुआत कर सकते हैं, या नहीं तो आप कंज्यूमर के थ्रू मर्चेंट से शुरू करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, कोई कंडीशन नहीं, राइट? तो अगर आप फास्ट ट्रैक से शुरू करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलेगा 2400, 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 1200, फास्ट ट्रैक 8% का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा कंपनी की तरफ से 1000 रुपीज, और आपका कैश बैक मिलेगा 576। आप अगर 12,000 से शुरू करते हैं, तो लगभग आपको 5,176 रुपीज आपको वापस उल्टा आपको फायदा हो चुका है। सिर्फ आपके 7,000 ही वहां पे इन्वेस्ट हो चुके हैं, वो भी अपना घर का सामान बदले है, राइट? इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने वाले जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, गौतम बाली सर, कन्वर बिल सर, दीपक सुतर, कंपनी 2004 में शुरू हो चुकी है, 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब कंपनी शुरू हुई थी, सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, मगर आज कंपनी के पास 370 प्लस नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो कंपनी खुद बनाती है, राइट? तो जब बिजनेस शुरू हुआ था कंपनी 2004 में, तो 6 डिस्ट्रीब्यूटर, मगर आज आप देख सकते हैं 2.5 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2.5 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और पहला साल का टर्नओवर 5 करोड़ था, अभी लास्ट ईयर का टर्नओवर लगभग 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, अगर कोका कोला फैक्ट्री वालों की अगर टर्नओवर बढ़ जाती है, तो कौन खुश होंगे? कंपनी के ओनर। अगर यहाँ पे वेस्टिज का टर्नओवर बढ़ जाता है, तो कौन खुश हो जाएंगे? हम लोग, क्योंकि ये 3,000 करोड़ में से 60% अगर हमारे बीच आ गया, तो कितने लोगों के घरों में लाखों की इनकम जाएगी, राइट? तो यहाँ पे आप
देख सकते हैं बिजनेस जब शुरू हुआ था 2004 में दो ही दो ब्रांचेस थे, मगर आज 3500 प्लस ब्रांचेस हैं पूरे वेस्टेज के, डीएलसीपी, पांच डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी सब मिला के 3500 ब्रांचेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंडियन कंपनी है और इंडिया के अलावा नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, कुवैत, फिलीपींस 8 कंट्रीज में काम कर रही है, जो इंडिया की नंबर वन कंपनी है। और ग्लोबली, ग्लोबल दुनिया में जितने नेटवर्क कंपनीज है उसके अंदर ग्लोबल 100 में से जो इंडियन कंपनी अपनी है 36 रैंक पे है, 36 रैंक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो सर्टिफिकेट है, ये हलाल सर्टिफिकेट है, दुबई जैसे कंट्रीज में अपने को हलाल सर्टिफिकेट मिला है, जर्मन सर्टिफिकेट है और क्वालिटी सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे ग्लोबल 100 में आप देख सकते हैं अपना 2017 का जो 36 रैंक पे आया था कंपनी, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का रेंज है बहुत अच्छे, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ओरल केयर प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, एग्री केयर है, कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर। इसके अलावा आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैक्रल नैनो एनर्जाइजर, ये नैनो एनर्जाइजर आज देखिए हर घर में कम से कम एक दो तीन बाइक्स है, ये कार तो है, अगर ये अपने गाड़ी में आप इंजन ऑयल के अंदर अगर यूज करते हैं, 30 ml होता है इसके अंदर, जिर्कोनियम प्लैटिनम होता है, अगर ये आप इंजन ऑयल के अंदर डालते हैं तो आपका गाड़ी का माइलेज बाइक हुआ तो 5 km के ऊपर ही आपको माइलेज बढ़ जाएगा, अगर कार हुआ तो 3 to 4 km के ऊपर आपको माइलेज इंप्रूवमेंट होगा, और गाड़ी का परफॉर्मेंस, इंजन स्मूथ होगा, पोल्यूशन कम होगा, पिकअप बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, बहुत सारे फायदे हैं अगर ये इस्तेमाल करने से। जब एक बार इस्तेमाल करते हैं 30,000 किलोमीटर तक वापस जरूरत नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप सब ठीक है, कंपनी ओके, कंपनी अच्छे है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी तो पैसा देगी टर्नओवर के ऊपर, मगर यहाँ पे आपको सिखाने वाले कौन है इस बिजनेस में, हमको बहुत बेहतरीन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम का नाम है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं विनिंग टीम के लिए। विनिंग टीम में मीटिंग्स होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, फैमिली रियूनियन, गो क्राउन, ऐसे ईडीएस हल्ला बोल मीटिंग्स होते हैं, और इसमें एक ऐप होता है, वेस्टिज का ऐप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विनिंग टीम का मोबाइल ऐप, आप प्ले स्टोर में जाके विनिंग टीम डाउनलोड कीजिए ऐप, 499 rupees करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो लगभग आपको एक साल तक इसके अंदर ऑडियोस होते हैं, वीडियोस होते हैं जो 1 lakh से लेके 78 लगभग 80 lakh तक लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग हमको यहाँ पे सिखाने के लिए तैयार हैं। मार्केट में आप जाके देखिए 1 lakh कमाने वालों के पास ट्रेडिशनल मार्केट में, भाई मैं भी अगर 1 lakh कमाऊंगा और मेरे को मदद करो कोई करने वाले है क्या? मगर यहाँ पे 70 lakh 80 lakh कमाने वाले भी हमको मदद करने के लिए तैयार है। तो विनिंग टीम एटीट्यूड बुक है ये, इसके अंदर जो मैं फोटो बताने जा रहा हूँ ये पूरे इस बुक में होते हैं, ये हमारे चीफ मिनिस्टर एसपी भारत सर है, एसपी भारत सर का नाम लेते हैं क्लास जितने जोरदार होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के लाइफ में टच करे हैं, बहुत लोगों के लाइफ में उनके घरों में लाखों की इनकम पहुंचाए हैं। तो ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड ग्रहीता है और ऑथर है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और इन्होंने ये 4 गाड़ियां भी इस बिजनेस के लिए 78 lakh पर मंथ इनकम है, और ये 1.5 crore की जो गाड़ी है पोर्शे ये भी इंडस्ट्री से ले चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे हैदराबाद के बहुत सारे लीडर्स हैं, तो इसमें से कुछ लीडर्स मैं आपको बता जा रहा हूँ, इंद्रवीर सर है, चरण सिंह सर है, यहाँ पे कुलकर्णी सर है, सैयद कमलुद्दीन सर है यहाँ पे, और ये श्रीनिवास जी है, दासू जी है, अशोक जी है, यहाँ पे पवन राज जी है, श्रीनिवास वडेमानु है, श्रीनिवास ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, हम यहाँ पे फ्रंट लाइन में भी बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे खमर भाई है, फौजी अली मैडम है, जमील भाई है, पश्चा खान सब बहुत सारे लीडर्स हैं जो तेलंगाना के अंदर जो लाखों की इनकम ले रहे हैं, यस 1 lakh से लेके यहाँ पे हैदराबाद में 5 lakh तक कमाने वाले भी यहाँ पे है हमारे बीच में है, राइट। यहाँ पे मैं क्लोज करने से पहले सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा, सिक्योरिटी क्या चीज होती है। सिक्योरिटी जो कोरोना के टाइम पे हम देखे हैं कुछ लोगों के घर में जो पैसे कमाने वाले उनको कोई प्रॉब्लम से कोरोना के वजह से उनकी फैमिली से वो निकल गए, मगर अब उनकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है,
मगर यहाँ पे मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में, आपके ऊपर अगर आपकी फैमिली डिपेंड है, अगर आप काम नहीं कर पाए तो क्या होगा, एक बार आप सोच के देखिए। मगर यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिस्टर राजेंद्र जितकर जी है, ये बिजनेस में लगभग 1.5 साल पहले इंतकाल हो चुके हैं, जब इनकी इनकम 6 लाख रुपए थी लगभग, मगर आज वो दुनिया में ही है, फिर भी उनके वाइफ को जो इनकम मिल रहा है 9 लाख प्लस इनकम मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है, देखिए कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ अगर मैं माइनस तो इनकम 0, मगर यहाँ पे जो नेटवर्क सर क्रिएट करके चले गए, ये सारा दुनिया में नहीं है, क्योंकि लोग प्रेस करना छोड़ देंगे, पानी बहाना छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो जब तक ये लोग अपने ड्रीम के लिए काम करते रहेंगे तब तक प्री जनरेशन तक पैसा आते ही रहेगा, राइट? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ब्रांड क्यों चेंज करना है, व्हाई शुड आई चेंज माय ब्रांड। लोग बोलते हैं हम प्लान बता लेंगे, तो कुछ लोग से मैं भी सुना हूँ, मैं सालों से लाइब्रेरी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को फेयर लवली से प्यार हो गया है, लोग बोलते हैं ना, मगर आज तक जो मार्केट के ब्रांड से इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर क्या आ रहा था, सिर्फ आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे ब्रांड चेंज करने से आपके ड्रीम गाड़ियां आ जाएंगी, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हैदराबाद में लगभग 30 से 40 गाड़ियां आ चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं क्लोज करने से पहले लास्ट 3 क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछ के क्लोज करूंगा, तो ये बिजनेस के अलावा आपके लाइफ में और कोई अपॉर्चुनिटी है क्या आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए? ये बिजनेस के अलावा और कोई रास्ता दिख रहा है क्या आपको आपके जिंदगी में, अगर आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, राइट? तो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप बिजनेस शुरू कर दिए हैं, 1 साल 2 साल काम कर लिए हैं, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो उससे कोई नुकसान होने वाला है क्या? इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेंगे आप। अगर आप बिजनेस में सक्सेस हो चुके हैं तो आप एक बार सोच के देखिए, आप ये स्टेज पे होंगे, आपकी इनकम लाखों में आएगी, आपकी ड्रीम कार आएगी, आपके बच्चों के ड्रीम फुलफिल हो जाएंगे, राइट? सिंपल एक बात आप सोच के देखिए, पिछले 2 साल के अंदर हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है, आगे 2 साल के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप डिसीजन लेके काम करते हैं, आपके अपलाइन भी हाथ पकड़ के 2 साल 3 साल काम करते हैं, आपकी 2-3 लाख की इनकम हो जाती है, तो पूरे आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। या पूरी विनिंग सिस्टम तैयार है आपको मदद करने के लिए, क्या आप लोग तैयार है? Yes. तैयार है? Yes. Yes, thank you, we should have back to host.